बहुत साल पहले की बात है, एक राजा अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान था। बेटा जो है वो हर किसी के साथ झगड़ा करता, हर किसी को तो वो तुच्छ मानता, हमेशा दूसरों को वो छोटा समझता, क्योंकि वो एक राजा का बेटा है। लेकिन असल में राजा खुद ऐसा नहीं था, राजा बहुत दयालु था। वो हर किसी का आदर करना जानता था, हर किसी को दान देना जानता था। लेकिन उसका जो बेटा जो है उसके पूरा विपरीत है, पूरा अपोजिट। राजा सोचते रह गया कि क्या करें। उसने अपने गुरु के साथ इसके बारे में बातचीत की कि गुरुजी, मेरा बेटा ऐसा ऐसा है, ये भविष्य में जाकर और भी अक्रूर बनेगा, क्रूर राजा बनेगा, तो मैं चाहता हूं कि अपने बेटे का जो माइंड जो है उसको मैं चेंज कर सकूं। गुरुजी कृपया आप मुझे इसका समाधान दें। तो गुरुजी ने बोला, एक काम करो, तुम अपने बेटे को कल आश्रम में भेज देना। चला गया राजा, जाके अपने बेटे को समझाया कि गुरुदेव ने तुमको बुलाया है, तुम्हें जाना ही होगा। तो पिताजी की बात सुन ली और वो सुबह उठते ही गुरुदेव के आश्रम में आ गया। गुरुदेव के साथ मिला, गुरुदेव ने उसको थोड़ा बैठाया। बिठाने के बाद सामने एक छोटा सा पेड़ था, बोला पेड़ से एक पत्ता तुम तोड़ के लेके आओ। फिर वो जाकर उस पत्ते को तोड़ के लेके आता है पेड़ से, आने के बाद उसको खा लिया। खाने के बाद देखा इतना कड़वा है, इतना कड़वा है कि वो पूरा एकदम उसने फेंक दिया अपने मुंह से। उसको गुस्सा आ गया, गया पेड़ को पकड़ा, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया उसको। तो बोला, गुरुजी ऐसा पेड़ आप आश्रम में मत रखो, ये बहुत कड़वा है। तो गुरुजी बोले, अच्छा ठीक है। उसको पानी वगैरह पिलाया, बैठे गुरुजी। गुरुजी ने उसको समझाया, ये जो छोटा सा पेड़ है इसका पत्ता कड़वा है बोल के तुमने इसको उखाड़ के फेंक दिया। ठीक, इंसान भी इस तरह के ही होता है। इंसान अगर कड़वी बात बोले तो लोग उसको उखाड़ने की सोचेंगे, यानी उसका क्षति करने की वो सोचेंगे। इसलिए इंसान को हमेशा मीठा होना चाहिए, मीठी बात बोलनी चाहिए, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। तो वो जो राजकुमार था उसको समझ में आ गया क्यों उसके पिताजी ने उसको गुरुदेव के पास भेजा है। उसने गुरुजी के चरणों को पकड़ा और बोला, गुरुदेव आज से मैं अपना चरित्र परिवर्तन जरूर करूंगा। उसी दिन से राजकुमार हर किसी के साथ खुश मिजाज से हमेशा बात करता, हर किसी के साथ हमेशा आदर से पेश आता, हर किसी की इज्जत करता और भविष्य में जाकर एक बहुत बड़ा राजा बना। दोस्तों, क्या आप ऐसे ही करते हैं? क्या आप कड़वी बातें करते हैं हमेशा? क्या लोगों को आप तुच्छ समझते हैं? अगर ऐसा है तो लोग आपको उखाड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए आपको करना क्या है, हमेशा कोशिश करें नम्रता से मीठी बातें बोले। इससे क्या होगा, आपके दोस्त बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे, दोस्त बने, आप ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप सबके साथ जरूर शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। मेरा जो बुक आप अमीर बनना चाहते हैं उसको एक बार आप जरूर 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 पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार एंड बाय बाय।